अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने दर्शन कर वहां पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की। श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, मैं इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में हूँ। भगवान श्री राम लला के से सटा हुआ यह हनुमानगढ़ी मंदिर, ये मान्यता है कि मंगलवार के दिन और इसके अलावा जब भी आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने आप आएंगे, सबसे पहले आपको हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट में दिखाऊं कि आप ये भीड़ देख सकते हैं और ये यहाँ पे हनुमानगढ़ी के मंदिर है। भगवान श्री बजरंग बली जी का ये आप देख सकते हैं कि सीधा ये आप अपना साधना चैनल पे आप सीधे इसको इस समय देख रहे हैं। जी हाँ, अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे साक्षात आप इसमें भगवान बजरंग बली के दर्शन कर रहे हैं। ये लोग दो मोहन महानुभाव हैं, ये लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये दोनों महानुभाव लोग ये यहाँ पे इनको आप पुजारी की संज्ञा में रखिए। ये सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद भी सबको दे रहे हैं। आप भीड़ देखिए, लोगों की, भक्तों की भीड़। ये सिर्फ यहाँ की भीड़, अयोध्या के लोग नहीं है, पूरे देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार पूरा व्यू दिखाएं यहाँ पे कि किस प्रकार से ये मंदिर का जो ये प्रांगण है। साधना चैनल को ये अवसर और सौभाग्य मिला है कि वो इस मंदिर प्रांगण के अंदर यहाँ पे हो करके ये दिखा पा रहा है। लोगों की संख्या यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितनी तादाद में है। लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके फिर सीधे वो यहाँ से जा रहे हैं। आपसे सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं? जी सर। आप कब से यहाँ पे आते हैं? सर हम पहली बार यहाँ आए सर, यूपी से आए, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ मंदिर में आज मंगलवार के दिन, ये राम मंदिर बनने जा रहा है, बन चुका है, जबकि मैं कहूँ प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर बहुत बढ़िया है सर, सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है कि हमको सौभाग्य मिला कि यह मंगलवार के दिन बहुत भीड़ में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हमको समय से दर्शन हो गया। अभी हम घाट से आ रहे हैं, अभी श्री राम मंदिर पर भी जाएंगे अभी सुबह सुबह। सर आप लोग श्रद्धालु हैं, अभी दर्शन करके आए, कैसा लग रहा है आप लोगों को इस स्थान पे दर्शन? बड़े अरसों के बाद ऐसा लग रहा है मंदिर, हमारा राम मंदिर यहाँ बनने जा रहा है और इस समय दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि बता नहीं सकते कि अपनी खुशी का व्यर्थ नहीं कर सकते आप लोगों को, कि जो खुशी हम लोगों को यहाँ मिली है दर्शन करके आप लोग को बयां नहीं कर सकते हैं कि हमारे पीढ़ी में भी राम मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। हम आने वाली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि हमारे दौर में भी एक इतिहास बना कि हमारा राम मंदिर इतने अरसों बाद हमारे युग में बनने जा रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लोगों में खासतौर से यहाँ पे एक और सज्जन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप यहाँ दर्शन करने आए? जय श्री राम। हाँ जी, दर्शन करने आए हनुमानगढ़ी जी के, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि 500 साल से हजारों सवाल पूछे जा रहे थे करोड़ों हिंदुओं को, एंड मोदी जी ने जवाब दे दिया 22 जनवरी, तो सबको नाज होना चाहिए। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो प्रश्न उठाते हैं, लेकिन आप याद रखना कि राम मंदिर बन रहा है, हमें तो रामलला से मतलब है, राम मंदिर बहुत खुश है। मतलब आंखों से पानी आ जाता है जब ये सब देखते। तो हमारे दादा दादी कहते थे, एक तो झारखंड से माता जी है, उन्होंने 30 साल तक मौन व्रत रखा है, कल ही मैंने न्यूज देखा, वो अभी जनवरी में तोड़ने वाली मौन व्रत अपना जब रामलला का मंदिर बनेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड मेरा धन्यवाद रहेगा मोदी जी को, एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह है और सब कोई इस पूरे कार्य के लिए, आप बजरंग बली के आप देख सकते हैं यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2014 में सरकार आने के बाद से जिस प्रकार से सरकार ने ये पूरा काम किया है और मंदिर निर्माण में ये अपना ये अहम रोल अदा किया है, वो आप अपने आप श्रद्धालुओं से भी महसूस कर सकते हैं। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे हनुमानगढ़ी से। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी, साधना चैनल के लिए अयोध्या से।